वाली शेखुपुरा का सफ़र जो कलाम की तरफ रवा दवा है और बड़ा खूबसूरत मंजर है। अभी थोड़े देर के लिए हम रुके हैं यहाँ पे क्योंकि गाड़ी हमारी पेट्रोल भरवा रही है, तो थोड़ी देर बाद हम दोबारा लौट होंगे और इंशाल्लाह कलाम से हम रुकेंगे। चले तो कट भी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता। काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए वट खान पैंदे मंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नी देंदे लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली केड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली ए परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में हम यहाँ पे खाना खाएंगे। बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं और ये मेरे दो जवान हैं, एक का ताल्लुक आईटी क्लास से है नीसम रजा और दूसरे इनका ताल्लुक आईसीए से है। आप देख सकते हैं इनके जिसामत की वजह से ये कितना खाते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा सब्र किया है। सब्र अब मज़ीद हम नहीं करवाएँगे, खोल दो रोटी। चला जी चलें। अस्सलामुअलैकुम, तो सवात में रुके नाश्ता के लिए, लीड्स कॉलेज शेखुपुरा का टूर रवा दवा है कलाम के लिए। हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनैलिटी भोला मौजूद है, भोले से तासुरात लेते हैं। जी भोले, अस्सलामुअलैकुम। अशारे मेरे बहन भाइयों का अशरा, लड़कियों को नहीं अच्छी नहीं लगती ना मुझे, वो ऐसे छेड़ती हैं करती हैं, इधर नहीं जाता, इधर इधर आए हैं मगर कुछ खिला नहीं रहे हैं, भूख लग रही है। कह रहे थे मछली के पावे भी खिलाएंगे, कुत्ते की होजड़ी भी होगी, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। और अब मैं अपने अम्मा को बता देना, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। Back.
सर बिलाल जो मेरे टीम का हिस्सा थे और जो ही आए हैं वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और शायद काफ़ी वक्त से बेदार शायद ना हो जल्दी ऐसे मुंह मोड़ के बैठे हैं तो उनकी नजर हम उनके लिए अहम वारे दिन के रहे हैं और सर की खूबसूरती को देखते हुए एक शेर जिस सुबह भी मैंने उनको पेश किया था वो है हवाएं तेज थी बारिश भी थी तूफान भी था लेकिन तेरा ऐसे में भी वादा निभाना याद आता है हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है। अच्छा अभी तक की बचे मैंने लाइफ का जो एक्सपीरियंस निकाला है उस सभी को अगर एक चंद वर्ड्स में आप लेके निकले तो कुछ ऐसे मैं उसे बयान करूँगा कि वो वाला बंदा जिसने अपने टीचर्स को राजी कर लिया ना दिल मतलब कि टीचर का दिल खुश हो गया कि यार मेरा दिल राजी है जिस बंदे ने अपने पेरेंट्स के दिल को खुश कर लिया पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं मुंडा साडा बाकी पूरा ताबेदार है आपकी माँ का दिल आपसे खुश हो गया आपके फादर खास तौर पर आपके बाप आपसे राजी हो जाते हैं तो ऐसे किसी एक बंदे को भी जिंदगी में मैंने नाकाम होते नहीं देखा सर जी उन बंदों में दो तीन एग्जांपल मेरे सामने मेरी लाइफ की हैं उन बंदों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है मतलब कि कोई इतने कैलिबर के बंदे नहीं है लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत नवाजा हुआ है और ऐसे बंदों से भी ज़्यादा नवाजा हुआ है जिन्हें बहुत ज़्यादा गट्स बहुत ज़्यादा टैलेंट बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं लेकिन वो इन सारी चीज़ों के ना होने के बावजूद भी बहुत आगे जो है निकल चुके हैं। एक आपने एग्जाम्पल जो है बताई है बच्चों की बड़ी अच्छी अदब से मुझे कोशिश किया करें कि आपके पेरेंट्स आपसे राजी रहें आपके टीचर्स आपसे राजी रहें ये दोनों राजी हैं तो नो डाउट अल्लाह पाक की बात होगी बिल्कुल राजी है फिर आपकी ज़िंदगी भी एंजॉय में है और आप जिसको तुम चाहो